नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका प्यारा के गोस्वामी। मैं इन दिनों शूटिंग कर रहा हूं जौनपुर में। फिल्म का नाम है ससुराल के गुलाम, जिसके स्टार हैं विक्रांत सिंह जी और यामिनी सिंह जी। इसमें एक छोटा सा करेक्टर मैं भी कर रहा हूं, और इसमें एक बड़े पिताजी के रोल में है जो ये स्टील फोटोग्राफर हैं। एक शब्द में के गोस्वामी के बारे में, के जी को मैं 25 साल हो गए जानता हूँ। उनके साथ जब मैं मीडिया का काम करता था तब से जानता हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो ये हैं हमारे बहुत पुराने स्टील फोटोग्राफर, और हमारे साथ हैं भोजपुरी के पिताजी जो विक्रांत जी के पिताजी बने हैं इस फिल्म के अंदर, राइट, यामिनी जी के पिताजी हैं। आप के गोस्वामी के बारे में दो शब्द। नमस्कार, मैं रजनीश झा जी, और ये मेरा सौभाग्य है एक्चुअली के गोस्वामी जी के साथ में काम करने का मुझे अवसर मिला। उनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है उनका, और सबसे खास बात है कि बहुत कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है। इतना लंबा उनका जो है लंबी यात्रा रही है, लंबी जर्नी है उनकी सिनेमा की, हिंदी सिनेमा से लेकर भोजपुरी, और भी कई सिनेमा में उन्होंने काम किया है। कई सिनेमा अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो सिनेमा बनता है उसमें काम किया है, और उनके साथ में लगातार हम जब खाली होते हैं बैठते हैं, बातें होती हैं तो बड़े फनी भी हैं। उनकी बातें सुन के मन एकदम गुदगुदाता है, और बहुत उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत अच्छा लगा, ये मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ इस फिल्म में मुझे काम करने का अवसर मिला। थैंक यू। एक लाइन में, एक शब्द के गोस्वामी के बारे में। सर, बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। इनको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इनको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक सब्सक्राइब वाला वीडियो नहीं है। तो ये हमारे मित्र लोग हैं जो हम सब साथ में काम करते हैं, वो लोग हैं। और अब मैं लेके आपको चल रहा हूँ आप सबको एक इस फिल्म के सुपरस्टार के पास, जो विक्रांत सिंह जी हैं, उनके पास। विक्रांत सिंह जी आपसे बोलेंगे अभी, और आप सब सुनिए क्या बोलते हैं ये। जैसा कि मैंने आपको बताया है विक्रांत जी के बारे में, तो अब मैं उनके पास आ चुका हूँ। आप के गोस्वामी के बारे में दो शब्द बोलेंगे। के जी, आपके बारे में दो शब्द बोलना मुझे लगता है कि बहुत बहुत कम है दो शब्द बोलना। आपके बारे में मैं किताब लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। आप जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही बेहतरीन और कमाल का दिल रखते हैं आप। स्वीट हैं, सिंपल हैं आप। एक मतलब मुझे लगता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, हमने आपको टीवी में देखा था जब हम हाँ मतलब टीवी में देखते हुए, और आप बिल्कुल मतलब वैसे ही प्रेजेंट होते हैं। आपके अंदर कोई भी ऐसा ईगो वाली चीज़ नहीं कि हाँ मुझे लोग जान रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसा वैसा करूँ। तो दैट्स व्हाई हम आपको मोहब्बत भी करते हैं, और आप बड़े हैंडसम हो। ओह माय गॉड, ये जो अंतिम वाला शब्द है वो तो मैं हूँ। नहीं सीरियसली, आप क्यूट भाई। मैं तो कहाँ पे आप अपलोड करेंगे आई डोंट नो, बट आपको तो सब लोग ताड़ते हैं, मैंने देखा है। देखते हैं भाई। एक्चुअल जब मेरी खूबसूरती के चर्चे होते हैं तो यहाँ जो लड़कियाँ हीरोइनें जो बैठी रहती हैं जलने लगती हैं। आप थाली जल्दी फिनिश करेंगे, तब तक ये एक भोजपुरी की एक और अपकमिंग माँ। मतलब ये कभी हीरोइन की बड़ी सिस्टर बनती है, कभी हीरोइनों की भाभी बन जाती हैं, कभी मेन लीड में भी। इन्होंने अभी दो फिल्म हमने साथ किया है जिसमें इन्होंने वन ऑफ द मेन लीड ही इन्होंने एक्टिंग किया है, और आने वाले समय में तो सबको माँ बनना है ना। भविष्य की माँ के साथ सब। तो ये सही तरीके में ये है हमारी फ्यूचर माँ, सॉरी इंडस्ट्री। ये है श्वेता वर्मा जी जो मुजफ्फरपुर से ही है। नमस्ते। दो शब्द क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए सर दो शब्द क्या, बहुत सारे शब्द। सबसे बड़ी बात है कि मैं मतलब उस धरती से हूँ जहाँ से के सर हैं, जहाँ से हम दोनों मुजफ्फरपुर से हैं, और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे शहर से निकल के सर ने इतना बड़ा नाम किया, इस लेवल तक पहुँचे हैं जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है।
और क्या बोलूं, बहुत जैसे विक्रांत जी ने कहा कि मैंने भी इनको गुटरगू में देखा था, मेरा फेवरेट शो था ये बच्चे नहीं थे मैंने भी गुटरगू में देखा है और बहुत अच्छा लगता था, मेरा फेवरेट शो था और वाकई दिल के बहुत अच्छे हैं। उस जगह पे रह के भी कोई घमंड नहीं है, बहुत प्यारे हैं सर, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कई बार इनसे पूछती हूँ कि सर अगर मैंने गलत किया है तो मुझे बताइए, तो सीनियर होने के नाते ही मुझे समझाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता जी, श्वेता वर्मा जी हैं, मुजफ्फरपुर की हैं और पहले मुजफ्फरपुर के विजय खड़े साहब थे, सुपरस्टार जी जो प्रेजेंट टाइम, और एक एक और मदर हैं जो प्रेजेंट टाइम की मदर, ये सचमुच की माँ है और इनको माँ बनाने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोग कुछ भी बोल ले मतलब फिल्म लाइन में लोग 20 साल की लड़की 25 साल की लड़की हो और कैरेक्टर ऐसा दे देते हैं, माँ का रोल बना देते हैं, तो उसके लिए बोला जाता है कि इनको हमने माँ बनाया, मतलब हमारे फिल्म में माँ बनाया है ये अनीता रावत जी, ये हिमाचल सॉरी उत्तराखंड की हैं, पहाड़ मुझे बहुत पसंद है सिर्फ बस पहाड़ों पर जाना नहीं होता होती है। आप के गोस्वामी के बारे में फिनिश। नमस्ते आप सभी लोगों को, थैंक यू के जी इतनी तारीफ करने के लिए। तो यस, जब हम इस इंडस्ट्री में नहीं थे तब से हम के जी को जानते हैं, हम बहुत छोटे थे, आज ये नौमत आ गई कि हम बड़े हो गए और वो आज भी छोटे के छोटे ही हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम के जी के साथ काम करते हैं और आई एम सो हैप्पी एंड बहुत ही अच्छे इंसान, सज्जन इंसान, और कहीं ना कहीं इतनी उम्र में भी जब हम छोटे छोटे इनको देखते थे, इतनी उम्र में भी ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं माँ का, विलन का, सबका किरदार करती हूँ और ये हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहते हैं, कभी कुछ बन के तो कभी कुछ बन के। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही के जी को प्यार देते रहे और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें, बस यही मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू के जी सब लोगों से मिलवाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और अब आपको मैं मिला दूं अच्छा आपने भोजपुरी में बहुत सी हीरोइनों को देखा है और सब में सब बोलते हैं ये हबली, ये डबली, ये बबली डॉल हीरोइन। अब हम आपको ले चलते हैं जिनके पास वो सचमुच की बबली है, जिंदगी अभी तक ये बच्ची है, उनका नाम है यामिनी सिंह जी। यामिनी जी, हाँ जी सर, एक सेकंड रुक जाइए सर, मेरा गेम चालू है मैं के सर के लिए क्या ही बोलूँ, अब मेरा गेम चल रहा है पट्टे से हेडशॉट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि के सर के बारे में अब कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर है, हम सबके सीनियर है और फिलहाल में मैं मर रही हूँ पर मैं लीड पे हूँ। देखिए फिनिश, नहीं नहीं फिनिश नहीं हुआ सर, मेरे मुंह पर से हटा दीजिए, मैं गाली वाली वीडियो, मुझे मालूम है आप पारंपरिक वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा वीडियो है। तो ये अभी खेल रही हैं, अगर ये नहीं खेलेगी तो सबको खिला देगी, इसलिए इनका टाइम पास होना बहुत जरूरी है। तो आप अभी कितना टाइम तक मरने वाली नहीं है, जल्दी मरो। और हम लोग जो शूटिंग कर रहे हैं ये उसका लोकेशन है, ये यहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, ये इस गांव का नाम है बाकी गांव। रेडी
आप